अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। जनपद बलिया तारांकन 05 अर्चिन पदिया असलहा तस्करों को गिरफ्तार। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ बलिया उत्तर प्रदेश 8090808423 दिनांक 7 अप्रैल 2019 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। बड़ी खबर, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परीक्षित आजमगढ़ श्री मनोज कुमार तिवारी महोदय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देवेंद्र नाथ के पर्यवेक्षण में दिनांक 6 अप्रैल 2019 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा स्वॉट टीम व सर्विलांस टीम व परीक्षेत्रीय एंटी एक्टा रात में कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी असलहा लेकर सरसपाली होते हुए जाने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करके कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम और परिक्षेत्रीय स्वाट टीम तीनों वहां जाकर घेराबंदी किए। कुछ समय के बाद दो मोटरसाइकिल पर 5 लोग आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रुकने का पुलिस पार्टी द्वारा कहा गया, किंतु वह न रुक करके फायर कर दिए और किंतु घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उनके पास से 1 अदद रिवाल्वर, 2 अदद पिस्टल, 2 अदद 12 बोर का कट्टा, 1 303 बोर का कट्टा और 4 अदद 315 बोर के कट्टे, कुल 10 असले बरामद हुए तथा विभिन्न बोर के 19 कारतूस बरामद। कई राउंड अपराधी फायर किए थे पुलिस के साथ? 2 राउंड फायर किए थे और पुलिस पार्टी टैक्टिकल हरकतों का उपयोग करके अपने को बचाई और उनकी घेराबंदी कर इनकी गिरफ्तारी। सर, एंटी एक्सॉर्शन सेल के द्वारा जो है सूचना प्राप्त हुई आपको आजमगढ़ से, परीक्षित से, इसका मतलब ये सक्रिय बहुत दिनों से था ये ग्रुप यहाँ? इस अपराधियों की सक्रियता के बारे में परिक्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उस संदर्भ में उनकी टीम बलिया आई थी और उसी दौरान सूचना मिली थी जिसमें सहयोग प्राप्त किया गया। सर, इसमें देखा जा रहा है बलिया की गाड़ी का नंबर है UP 60 जो है, और ये अपराधी जितने हैं तो गाजीपुर के दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अंतर प्रांतीय या अंतर जनपदीय कनेक्शन इन दोनों का है? हाँ, इस संदर्भ में अंतर जनपदीय कनेक्शन है और बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे जो विवेचना में समाहित होंगे और इनके पूर्व इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में क्या क्या